हेलो गाइस, चलिए हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 1 है, 3 है, 6 है, 18, 29। ठीक है, अभी जब कुछ समझ नहीं आता है तो हमको पहले तो डिफरेंस ले लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ नहीं पता। और इसके बाद ये 11 हो गया। अब हमको क्या समझना है यहाँ पे कि क्या चल रहा है। ये 2 है, ये 3 है, ये 11 है। ये नंबर तो हमको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, तो अगर प्राइम नंबर होंगे तो 2 और 3 के बाद आना चाहिए यहाँ पे 5 आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 7। तो 6 और 5 होता है 11, यहाँ 11 लिख लेते हैं। और 11 में अगर 7 हम जोड़ते हैं तो 18 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। और ये क्या है, प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 840 है, 168 है, और ये देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे नंबर, और डायरेक्ट फिर कम हो गया। और हमको ये तीन चीज़ देख के तो हम समझ ही सकते हैं, इन दोनों को तो छोड़ ही दीजिए। ये तो 7 का डायरेक्ट डबल है, 7 का टेबल है, 7 2 14, और ये 14 3 42। जब हम ये समझ गए 2, 3 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 होना चाहिए या 5 होगा। तो हम देख लेते हैं कि कैसे, अगर 4 होगा इसका मतलब सीक्वेंस में जा रहा है नंबर, और अगर 5 होगा यानी कि प्राइम नंबर है। तो 42 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, और ये 4 4 16, मतलब यहाँ पे 4 ही आएगा। तो ऑब्वियसली ये है 5, अगर आप 168 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 आएगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 बचेगा, 1 ही आना चाहिए। तो किस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाए, तो ऑब्वियसली 7 होगा, 7 हमारा आंसर है। ईजी था, ये एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है गाइस, ये आया हुआ था। और अगर आप नंबर से ही सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को तो आप देख के ही जान जाएंगे। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 5 का, 7 का, 2 3 5 7, क्या है ये प्राइम नंबर। इसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, नहीं 11 आएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121। नेक्स्ट, अब इसमें भी हमको पहले डिफरेंस ही निकाल कर देख लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 11 आ रहा है, ये 4, 39, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचता है, 56, ओके। कुछ क्लियर नहीं हुआ, एक बार और डिफरेंस लेंगे। अब समझ आ रहा होगा, 13 15 17, यानी कि 13 है, 15 17 है, यहाँ 19 होगा, 19 को ऐड करेंगे इसमें, 75, 19 को 56 में ऐड किए 75 लिखे, 75 को आप इस 149 में ऐड कर देंगे, 9 5 14 होता है, कैरी जाएगा, 224 हमारा आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं, 6 3 66 ये है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि अगर डिफरेंस निकालें तो हो सकता है हमारा आंसर, अगर नहीं आएगा तो हम फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे, पर देख के तो ये आसपास ही लग रहे हैं तो डिफरेंस से तो हो जाना चाहिए। ये 24 हो गया, यहाँ तक ठीक है, एक डिफरेंस और ले लेते हैं। बारह बारह बारह, यहाँ पर भी हम 12 लिखेंगे, 12 ऐड करेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा 4 2 6 2 46। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 9 20। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर 8 से डायरेक्ट 256 हो गया है, और हमको कुछ चीज़ें दिख भी रहा है कि 8 1 8 होता है, 1 जोड़ देंगे तो 9 होगा, 9 2 18 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 20 होगा। ये तीन चीज़ देख के हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हो जा रहा है, तो हम उसे ही यूज़ करते हैं। 8 इंटू 8, 8 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 8,
प्लस वन नाइन, ये आ गया। नाइन टू ज़ा 18 प्लस टू 20, ये आ गया। अब 20 के बाद क्या आएगा, वन टू है यहाँ थ्री, 60 प्लस थ्री 63, यानी हम सही चाह रहे हैं। 63 इंटू फोर 252 आएगा, सही है। अब मेन चीज़ जो हमें निकालना है, 256 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 1 2, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, यानी कि 1285 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे।